2023 সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বললেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। গণতন্ত্রের পবিত্র উৎসব ভোট উৎসব বারবার লজ্জিত হয়েছে রাজ্যে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নামের আগেও কলঙ্কজনকভাবে লেগে রয়েছে ছাপ্পা ভোটের মুখ্যমন্ত্রী এই শব্দটা। বিজেপি আসার পর ছাপ্পা হামলা আর মামলা, ব্যাস ভোটের নামে এই হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 2023 সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে সহ অন্যান্যরা। এদিনের সম্মেলন থেকে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, 2023 সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার সকল ভোটারদের বেশি মাত্রায় ভোটদানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যা রাতে ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনকে কিভাবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় তা নিয়ে ত্রিপুরার সব রাজনৈতিক দলের নেতা, ত্রিপুরার 8টি জেলা জেলাশাসক এবং ত্রিপুরার 8টি জেলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকও করা হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। उसके बाद सभी डीएम्स, एसपीस, सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें मैं आगे जिक्र करूंगा, स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज, डीजी, सभी ऑफिसर्स के साथ में बैठक करके जय 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 कमीशन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। वी आर डिटरमिंड एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू हैव ए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंड्यूसमेंट फ्री एंड वॉयलेंस फ्री इलेक्शन। जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पूरे राज्य में प्रलोभन मुक्त हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और किसी भी हिंसा मुक्त हो और किसी भी इंड्यूसमेंट से मुक्त हो, ये हमारा संकल्प भी है और प्रयास भी है और इसमें सबकी मदद भी हमें चाहिए। जो मैंने कहा ये सिर्फ शब्द नहीं है, आपको कैसे विश्वास आएगा कि ऐसा होगा, ये अपने संबोधन में मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। त्रिपुरा हैज एज यू आर ऑल अवेयर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन त्रिपुरा आर 8, पॉपुलेशन इज 36.7 एंड मेल एंड फीमेल इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड हियर इन दिस स्लाइड व्हिच इज 18.71 लैक्स एंड 17.98 लैक्स, ऑलमोस्ट इक्वल। जो त्रिपुरा राज्य में विधानसभा का कार्यकाल है वो 22 मार्च तक है और टोटल 60 सीट हैं, जिसमें से 30 जनरल, 10 एससी और 20 एसटी है। टोटल इलेक्टर्स राज्य में 28,13,478 हैं और मेल, जिसमें पुरुष 14,14,000 हैं और महिलाएं 13,98,000 हैं, लगभग लगभग बराबर हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए विशेष अभियान है जिसका मैं आपको आगे जिक्र करूंगा, वो 17,297 हैं और 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, आर रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड ओल्ड सिटीजन्स, देर आर 38,039 एंड इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, और बड़ी खुशी की बात है कि 100 से वर्ष के भी ऊपर के शतायु मतदाता भी हमारे पास 679 है त्रिपुरा में। और इन सबको अभी कमीशन की तरफ से हमने चिट्ठी भी लिखी थी व्यक्तिगत रूप से, सबका आभार देते हुए कि वो जब से इस जो समाज में हैं वो इतनी उम्र में और हमारे वोटर में साथ देते हैं, आते हैं हमेशा, वो प्रेरणा है हमारे यूथ के लिए। कमीशन का एक स्पेशल सभी लोगों का इंक्लूजन, समावेशी हो वोटर लिस्ट और वोटिंग, इसके लिए थर्ड जेंडर है वो भी 77 है हमारे यहाँ। और यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं राज्य में वो 65,044 है, 88 से 19 की एज ग्रुप में। और कमीशन ने इस बार एक नया जो अमेंडमेंट हुआ था 4 क्वालिफाइंग डेट्स का, उसमें एक और सुविधा थी कि जो 17 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं और अभी 18 साल नहीं हुए हैं वो एडवांस में हमें एप्लीकेशन दें, हम अपने पास रखेंगे
और जब वो 18 वर्ष के होंगे उसी दिन उनको कार्ड देंगे विद ए किट वेलकमिंग देम एज ए वोटर ऑफ द नेशन. तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि 7995 17 साल से 18 साल के बीच के मतदाता भावी मतदाताओं ने हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में अप्लाई किया है. সমস্যা হচ্ছে পূর্বের ইতিহাস বলছে কমিশনের বক্তব্য আর বাস্তবের মিল কোথাও নেই. এবারেও কি সেই পুরো ভোট আর উপনির্বাচনের মতোই হবে না আসলেই ফের একবার উৎসবের মেজাজে ভোট দেবে রাজ্য? ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট.